आज अब तक 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कई छूटें दी गई थी, जिससे यहाँ पे चहल पहल पूरा देखा जा रहा है और पुलिस गश्ती लगातार कर रही है। और वहाँ पे जो लोग के पास हेलमेट नहीं है और कागजात नहीं है गाड़ी की, उनका चालान काटा जा रहा है और पुलिस लगातार गश्ती कर रही है। और ये समस्तीपुर का मुसरी घराड़ी है और लगातार लोगों में लॉकडाउन का पूरा असर दिखा जा रहा है, लोग अपने काम से ही बाहर निकल रहे हैं। फलवानी आंटी हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानेंगे क्या जो लॉकडाउन में है कितना असर पड़ा है, बिक रही है सामान या नहीं बिक रही है, क्या मतलब सेब बिक रहा है? नहीं बिक रहा, बोनियों ने बिजनेस किया, बोनियों नहीं हुआ है। और दिन कहाँ है, 150 रुपये बिकती है। अच्छा, अभी सेब कैसे, सेब का रेट कैसे? सेब अखने है 80 रुपये। पहले से कम है या ज़्यादा है? पहले से कम बेच रहे हैं या फिर ज़्यादा है? पहले से कम है मगर बिक भी नहीं रहा है। तो लॉकडाउन का पूरा असर दिख रहा है और लोग जो वो घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं, गरीब लोगों के पेट पर लात लग गया है। और 20 अप्रैल से कुछ छूट दी गई थी जिसमें जो दुकान थे वो खुले हुए हैं और पुलिस लगातार गश्ती कर रही है और वहाँ पे जो है वो लगातार चालान काटा जा रहा है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए पुलिस से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे जो है वो गाड़ी का चालान काटा जा रहा है और चलिए पुलिस से जानते हैं वो क्या चीज़ के लिए चालान काट रहे हैं, क्या चीज़ के आप लोग चालान काट रहे हैं। लॉकडाउन को जो गाड़ी जो है सो वैसे बगैर हेलमेट और बगैर मास्क जो चलाता है उसी को जो है सो हम लोग जो है चलान लाइसेंस उसे भी देखते हैं। लाइसेंस भी देखते हैं। हाँ, लाइसेंस। कितना चलान काटा जाता है जो हेलमेट नहीं पहने मास्क नहीं पहने उसका? एक हज़ार है एक गाड़ी। सिर्फ हेलमेट का या मास्क का, क्या चीज़ का? हाँ उतना जो है सो कम करके दिया जा रहा है, समझे सर? कम करके जी हाँ। तो पूरी तरह पुलिस जो है वो अपने काम में ड्यूटी में लगी हुई है। चलिए इनसे जानते हैं क्यों खड़े हुए यहाँ पे। तो पुलिस लगातार ये कर रही है, ये गाड़ी जो पकड़ाया है लाइसेंस के खातिर हेलमेट और मास्क के लिए हम लोगों को पकड़ते हैं। जब पूरी दुनिया जागरूक है, भारत जागरूक है, तो आप क्यों जागरूक नहीं है? हेलमेट लेकर ना आना चाहिए आपको। अब क्या अगर इमरजेंसी में निकलते हैं, नहीं मिलता तो निकलना पड़ता है। क्या काम था, क्या क्या काम के लिए आए थे? मुझे कुछ काम नहीं था, हवा के कारण वो झोपड़ी पर उलट गया, तो बांस लेने के लिए आए थे यहाँ पे। अब पकड़ा गए तो गाड़ी फिर छुड़ाएंगे, फिर लेके जाएंगे सब सामान उमान। चलिए यहाँ पे और यहाँ मौजूद है वो आगे जानते हैं से क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या कहीं भाई जाते आए हैं गाड़ी लेने के लिए, इसलिए आप भी गाड़ी वाला मीटर में ना? हाँ, बांस लेने के लिए आए। गाड़ी मेरा, आपका गाड़ी है ये? जी, हम यहाँ का ग्रामीण है, बारिश हो रहा था, तिरपाल के लिए आए, गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी मतलब हेलमेट नहीं पहने हुए थे, मास्क नहीं लगाए हुए? मास्क लगाए हुए। फिर पकड़े क्यों? हेलमेट नहीं था ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ भी थाना पे जो उधर थाना है वहाँ पे भी गाड़ी लगा दी गई है और यहाँ पे भी कई गाड़ियाँ लगी हुई है। तो लोग जो है कोई हेलमेट तो कोई मास्क नहीं पहन कर आए, इसी वजह से इन लोगों का चालान कटने वाला है, जो इसलिए रुके हुए हैं। भाई मौजूद है हमारे साथ और इनसे जानेंगे क्या दुकान चल रही है या नहीं, क्या सेब की दुकान चल रही है? पब्लिक आ ही नहीं रहा, क्या दुकान चलेगा, एकदम नहीं चल रहा है। मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क तो लगाना चाहिए। मास्क है रखा हुआ, लगा लेते हैं। लगाना चाहिए आप? लगा के ही रहते हैं मास्क। और फल जो बेचते हैं वो धोते हैं कि नहीं? हाँ, धुआ रहता है। धुआ रहता है। हाँ हाँ, 25% बिक्री है बस। 25% ना? बस जो पहले भाव था वो उसी? हाँ, वही रेट चल रहा है। हाँ, उससे भी कम। फिर भी लोग नहीं आ रहे। कम रेट में सौदा बिक रहा है, उसके बाद भी नहीं आ रहे। हाँ, डर से नहीं आ रहे हैं, सही बात। तो लोग जो है बोल, इन लोगों का कहना है कि डर से नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार गश्ती कर रही है और जो फालतू में लोग घूमते हैं उनको लगातार पकड़ रही है। रिक्शा का भाड़ा उड़ा कहाँ होता है, गरीब आदमी है, दिन भर बैठ के चले जाते हैं। एक भी नहीं भाड़ा होता है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से नहीं हो रहा है? नहीं। रोजी रोटी कैसे चलता है आप लोग का? भूखे रह जाते हैं, रात में किसी से पैसा उधार लेते हैं तब होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस, चौसीमा। यहाँ पे बगल के ही पास के जो रिक्शा चलाते हैं। दोस्तों, ये समस्तीपुर जिला की मुसी घाड़ी का नज़ारा और लॉकडाउन का असर यहाँ पे पूरी तरह दिख रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों पे नज़र रखे हुई है, जो लोग लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हैं उन पे लगातार कार्रवाई भी हो रही है। WHO का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस का कोई टीका विकसित नहीं हो जाता तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन वैज्ञानिकों का एक तबका लगातार हर्ड इम्यूनिटी के जरिए इस वायरस को कंट्रोल करने की बात कर रहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित ज्यादातर देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लॉकडाउन का रास्ता चुना है, लेकिन मुख्यधारा के इस चुनाव को कुछ वैज्ञानिक ये कहते हुए चुनौती दे रहे हैं कि आखिर कब तक वायरस से छिपकर बैठा जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से ठप हुए उद्योग धंधे और सुस्त होती अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए इन वैज्ञानिकों की दलील है कि इससे पहले भुखमरी ज़्यादा बड़ी समस्या बनी। हमें कोरोना वायरस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके हर्ड इम्यूनिटी के विकसित करने के बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन इस विचार के आलोचकों की संख्या फिलहाल ज़्यादा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लोगों का कहना है सीधे तौर पर कि हम लोग को यहाँ पे मतलब खाने को भी तरस रहे हैं। रिपोर्ट साजिद कलीम, जनता की आवाज़।